नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास मित्र ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल ही जो है राजस्थान पुलिस के जो है जिले बताने चालू हो गए हैं कि आपका जो सेंटर है वो किस जिले में आएगा। अभी तक डेट वगैरह कुछ भी नहीं बताई जा रही है इसके अलावा, और जो आपका सेंटर है वो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं आ रहा है, और जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ भी नहीं आ रहा है। जो आपका जो सेंटर है वो कहीं और ही जगह पर आ रहा है। तो वैसे तो लगभग ज़्यादातर जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट के पास के जिले में ही दिया जा रहा है, लेकिन कई बच्चों का जो है दूर भी दिया रहा है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम जो है अपना सेंटर मोबाइल में नहीं देख पा रहे, तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल पर जो है कैसे आपका डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, कि कहां पर आपका सेंटर है ये देख आप अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इसको आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और गूगल क्रोम में सिलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान रख लेना, गूगल क्रोम ही इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से जो है वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एक कोड नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन रुकिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। अब सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए तीन डॉट लिखे हुए आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डेस्कटॉप साइट, तो आपको जो है इस डेस्कटॉप साइट के सामने के डब्बे पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से थोड़ा छोटा होगे ये जो है वेबसाइट, जैसे कंप्यूटर में दिखती है वैसे दिखने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब डालना है आपको इसके अंदर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और ऊपर एप्लीकेशन नंबर डाल देने हैं, जो भी आपके फॉर्म में है वो एप्लीकेशन नंबर डाल देने और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देने। एप्लीकेशन नंबर ध्यान से डालें, वरना जो है आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते समय थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में आपको जो है ये कैप्चा डाल देना है, जो लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर सेम टू सेम वही कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे देखिए आपके सामने आ गया सेंटर लोकेशन डिटेल, और यहाँ पे आप इसको जूम करके अच्छे से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है मोबाइल में आसानी से ही जो है सेंटर का लोकेशन देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।